पेंड्रा में पुलिस ने हत्या के आरोपी का जुलूस निकाला और वारदात की जगह पर पुलिस उसे लेकर पहुंची। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की है। आपको बता दें कि बुधवार सुबह दिन दहाड़े एक युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पूरा मामला गौरेला थाना के झगड़ा खाड़ का था। यहाँ एक युवती रंजना यादव स्टेट बैंक के पास खड़ी थी, तभी नकाबपोश एक युवक इस युवती के पास पहुंचता है और चाकू निकालकर उस पर कई बार वार करता है। आपको बता दें कि युवती उस वक्त घायल और अचेत अवस्था में जमीन पर गिर जाती है। हालांकि एक शख्स जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है ताबड़तोड़ वार करना जारी रखता है और इस पूरे हमले में कुछ देर के बाद युवती की मौत हो जाती है। पुलिस ने आरोपी को मरवाही के चितगोहना से गिरफ्तार कर लिया। और अब बात सिवनी की है, जहां गोवंश हत्याकांड मामले में पुलिस ने अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। बता दें कि इन्हें यहां से जेल भेज दिया गया है और कार्रवाई इन पर की जा रही है। आपको बता दें कि ये गोवंश हत्याकांड का पूरा मामला, जिसमें खुद मुख्यमंत्री तक नजर बनाए हुए थे, अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और बढ़ते आगे, आपको बता दें ग्वालियर में मानसून की पहली झमाझम बारिश हुई और 4 घंटे में 49 मिलीमीटर तक पानी बरसा है। जून महीने में कुल 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं भिंड में भी तेज बारिश हुई है और बारिश के चलते शहर तर बतर हो गया है। पिछले कई दिनों से लोगों को गर्मी से परेशानी हो रही थी, लेकिन अब उन्हें राहत मिली है। 2 घंटे हुई बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। उधर ग्वालियर में मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम के इंतजामों की पोल खोल दी। दावे जो किए जा रहे थे वो पानी पानी हो गए। शहर में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से खराब पड़ा है। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, लगातार क्या अभी भी बारिश हो रही है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में बारिश हो रही है और बारिश के चलते आप देखें तो लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, क्योंकि जो तापमान का पारा 40-42 डिग्री के आसपास चल रहा था वो करीब 6 डिग्री गिरकर 35-36 डिग्री के आसपास आ गया है। लोगों ने राहत की सांस ली है भीषण गर्मी से इस बारिश के चलते, लेकिन इस बरसात ने ग्वालियर नगर निगम के इंतजामों को भी पोल खोल कर रख दी है। ड्रेनेज सिस्टम खराब होने से, इसके अलावा बड़े नाले नालियों की सफाई ना होने की वजह से पहली जो बारिश हुई है मानसून की, उस बारिश का पानी जो है सड़कों पर लबालब भर गया है और आप देख सकते हैं कि नालियों का जो गंदा पानी है वो भी इसके साथ जो है लोगों के घरों में निचली बस्तियों में भरने लगा था। और इसके अलावा जो सड़कें हैं, ड्रेनेज सिस्टम ना होने के चलते सड़कों में थोड़ी सी बारिश के बाद जो पानी आ जाता है तो लोगों को परेशानियां जरूर हो रही है। स्वाभाविक है। और सुशील, क्योंकि अब निगम के दावों के भी यहां पर पोल खुल रही है, दावे तो ये किए जा रहे थे कि सब ओके है, बारिश में कोई समस्या नहीं होगी, फिर ये जलभराव कैसे? लगता है संपर्क टूट गया सुशील से। बारिश का समय है ना तो नेटवर्क की समस्या हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यार